बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? आप लोगों का काम मुझे साथ साथ नज़र आ रहा है, आपके मामा तस्वीरें भेज रही हैं। वेरी गुड, शाबाश। सब बच्चे जरा मेरे साथ अपने लिए तालियां बजाएं, शाबाश। बहुत अच्छा काम करें, इसी तरह से आप लोगों ने अच्छा अच्छा काम करना है और अपनी किताबें और कॉपियाँ ख़राब नहीं करनी। आज का काम हमने उर्दू की अमली किताब में सफ़ा नंबर 9 पर करना है और ये काम है हमारा जोड़ के तोड़ लिखिए। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले हम आज की तारीख लिखेंगे, 1/13-04-2121। अब इस तरफ आ जाए जहाँ पर दिन लिखा हुआ है, वहां पर आप मेरे साथ लिखें, हवा में पहले मीम की छोटी शक्ल, शाबाश, इसके साथ नून की छोटी शक्ल, इसके साथ गा लाम गल, लाम आपका लाइन से नीचे जाएगा और यहाँ पर गा के दो कष्ट करते हैं। ठीक है, मंगल। चलिए पहले आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मैंने जरूरी बात बतानी है कि ये आज जो हम हरूफ के जोड़ के तोड़ कर रहे हैं ये वाव के साथ है। आप सब बच्चों को कुछ मैंने हरूफ बताए थे, क्या सबको ये याद है? अलिफ, शाबाश, वाव, शाबाश, छोटी ए और बड़ी ए। इनकी आवाजें क्या थी? आ ओ ई ए। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मुसव्वते। क्या कहते हैं? मुसव्वते। जैसे आपके इंग्लिश में वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इसी तरह से हमारे उर्दू जुबान में चार हरूफ जो हैं वो मुसव्वते कहलाते हैं, आ ओ ई ए। अब आप हरूफ़े तहजीब की आ के साथ जोड़ और तोड़ जो है वो आप नर्सरी में कर चुके हुए हैं। अब आप लोग प्रेप में आ गए, बड़ी क्लास है, तो अब हमने पहले ओ के साथ वाओ के साथ सारे हरूफ तहजीब जो हैं उनके जोड़ के तोड़ करने हैं और फिर इसके बाद हम इनके तोड़ के जोड़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं पढ़ाई और इसके बाद हम करेंगे इनकी लिखाई। पढ़िए मेरे साथ, ज ओ जो र जोड़, त ओ तो र तोड़, शाबाश। ब ओ हो प ओ हो, त ओ तो ट ओ टो, ज ओ जो च ओ चो, थ ओ हो ख ओ हो, द ओ दो द ओ दो, ज ओ जो र ओ रो, स ओ सो श ओ शो, स ओ सो ज ओ जो। ये आपकी उर्दू की अमली किताब में सफा नंबर 9 है। ठीक है, तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। सबको याद आ गए मुसव्वते, आ ओ ई ए, ये भी आप लोगों ने साथ साथ दोहराने होते हैं और जो हमने आपको पिछले रंगों के नाम करवाए थे वो भी आपने साथ साथ दोहराने हैं। और ये आपका दोस्त गुठली, इसको मैंने आज साथ बिठा लिया है क्योंकि इसको भी बहुत शौक था आप लोगों के साथ पढ़ने का। ठीक है, तो इसने कहा कि मैम मैंने भी क्लास में आना है, तो मैंने कहा चलो आ जाओ बोर्ड के साइड पे बैठ जाओ। ठीक है, चलिए तो काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले देखिए ब ओ बो में किसकी आवाज आपको और शक्ल नजर आ रही है। ब छोटी शक्ल किसकी है? बे की, लेकिन जब हम तोड़ करेंगे तो हम बड़ी शक्लें लिखेंगे। ब बे डैश, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? वाओ, शाबाश। इसी तरह से आप लोगों ने कुछ खत लिखना है, साफ लिखाई में लिखना है। आप लोगों ने इसको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना, मैं आपके लिए बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि आपको नजर आ जाए, लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए पहले किसकी शक्ल नजर आ रही है? शाबाश, पे की शक्ल, पे डैश वाओ, प ओ पो।
ठीक है। तो अगला लफ्ज देखिए क्या है, त ओ तो, किसकी छोटी शक्ल नजर आ रही है पहले, ते की, लेकिन यहाँ पे हम बड़ी शक्ल लिखेंगे, ते डैश कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ, वाओ शाबाश, त ओ तो जी, ये सब हरूफ हम हरूफ तहजी जितने भी लिखेंगे उनके साथ सब देखिए वाओ जुड़ा हुआ है। तो पहले हरफ की आपने छोटी शक्ल देख के उसकी आवाज जब बोलेंगे तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा और देख के भी पता लग जाएगा कि पहले कौन सा हरफ है जी। अब क्या है, टोटो, तो यहाँ लिखेंगे टे की बड़ी शक्ल डैश कौन उसके साथ, जी हाँ वाओ, टोटो जी। अगला लफ्ज बताइए, ज ओ जो, शाबाश, यहाँ से आपने ये जो आपकी दरम्यान की लाइन है इसके जरा सी जगह छोड़ के आप लिखना है, बिल्कुल इसके साथ नहीं जोड़ देना, थोड़ी सी स्पेस देनी है लेकिन बहुत ज्यादा दरम्यान में भी नहीं लिखना, ठीक है। ज ओ जो, तो पहले आप जीम की पूरी शक्ल बनाएंगे, यहाँ दरम्यान में इसके पेट में नुक्ता लगाएंगे, जीम डैश वाओ, ज ओ जो शाबाश जी वाओ, ये तो सबको आता है, च ओ जो च डैश वाओ शाबाश, च ओ जो। अगला लफ्ज बताइए, ह ओ हो, हे की बड़ी शक्ल और इसके साथ वाओ, ह ओ हो, और जी के है हे का आखिरी भाई कौन, खे, जी हाँ, ख ओ हो, इसके सर पे नुक्ता होता है और डैश लगाकर वाओ शाबाश। तो आप आते हैं अगली लाइन में, यहाँ देखिए अगले कॉलम में द ओ दो, मिस परुप देखिए बच्चे बातें कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है मुरली कि हम लोग सबक पढ़ रहे हैं और आप जो है बच्चों की शिकायतें लगा रहे हैं, बहुत बुरी बात है। अगर आपको क्लास में बैठना है बच्चों के साथ पढ़ना है तो आराम से पढ़ें, वरना आप जा सकते हैं, जाइए जाइए, चलें चलें जी। हम दोबारा से शुरू करते हैं, द ओ दो जी, ये तो कोई जुड़े हुए नहीं है, ये तो सिर्फ साथ साथ लिखे हुए, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, इनका तो जोड़ बहुत ही आसान है। द पहले हम लिखेंगे दाल और इसके साथ डैश लगा के वाओ, द ओ दो शाबाश, इसके बाद द ओ दो दाल की शक्ल जी और इसके बाद डैश लगा के लिख देंगे वाओ, द ओ दो शाबाश। अगले लफ्ज पर आ जाए, ज ओ जो, तो ये आपका ज डैश वाओ जी, उससे अगला लफ्ज देखिए, र ओ रो, रे की शक्ल और डैश लगा के वाओ, र ओ रो, ठीक है। आपके आगे का जो लफ्ज है ये तो दो हरूफ जुड़े हुए हैं, पहले देखिए कौन जुड़ा हुआ है, सीन की छोटी शक्ल शाबाश, तो अब हम यहाँ पर हमने सीन की छोटी शक्ल नहीं बनानी, सीन की बड़ी शक्ल बनानी है और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, वाओ, सीन का दोस्त कौन है, वाओ, स ओ सो शाबाश। अगला देखिए क्या लफ्ज है, श ओ शो, इसी तरह आपने शीन लिखना है और इसके ऊपर तीन नुक्ते लगाने हैं, डैश लगाकर वाओ लगाएंगे, श ओ शो शाबाश। अगला लफ्ज पढ़िए, स ओ सो जी, किसकी छोटी शक्ल है, हाँ जी स्वाद की, प्यारा सा स्वाद बनाना है सब बच्चों ने ऐसे, और इसके साथ डैश लगाकर लिख देंगे वाओ शाबाश। और आखिरी लफ्ज है हमारा ज ओ जो, तो पहले हम ज्वाद की छोटी शक्ल बनाएंगे, सॉरी ज्वाद की बड़ी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ वाओ लिख देंगे, ठीक है। तो सब बच्चों ने याद रखते हैं कि जब हमने तोड़ लिखने हैं तो हमने तोड़ में बड़ी शक्लें लिखनी है, ठीक है। तो अब आपने ये काम बहुत सफाई के साथ खुश खत लिखना है और बड़ा बड़ा नहीं लिखना, मैंने सिर्फ बड़ा बड़ा आप लोगों के लिए लिखा ताकि आपको आसानी से वीडियो में नजर आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।